पाली का शिव मंदिर, क्या है बोलिए, पाली का शिव मंदिर। तो यहां पर मैं लिखते चलता हूं, ठीक, ये क्या है बोलिए, पाली का शिव मंदिर। पाली का शिव मंदिर क्या लिखा है इस पर, क्या लिखा है इस पर? अच्छा, पहले बनाने वाले का नाम, बनाने वाले का नाम विक्रमादित्य, और बेहतर लिखना है तो बाणवंशी शासक विक्रमादित्य। पाली का शिव मंदिर को और बोलते हैं प्रस्तर मंदिर, क्या बोलते हैं बोलो, प्रस्तर मंदिर। अब जब फॉल ऑफ बाणवंश हो गया, राइज ऑफ कलचुरी, पलटूंगा तुम बाजू में बात करोगे, वो दो कौड़ी की हरकत है, इसलिए सामने ध्यान दो, यहां जितना बोलोगे उतना दिमाग में टिकेगा, तुम जाके पढ़ते नहीं हो, वो पीढ़ी तुम हो नहीं, इसलिए मैं यहां ज्यादा से ज्यादा याद कराता हूं, ठीक। यहां जो याद कराऊंगा उसको यहीं पे पकड़ के चले जाओ, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा कौन टीचर बोलेगा, कोई बोलेगा? मैं बोल रहा हूं, गारंटी है, ठीक, मेरा गारंटी, ठीक। प्रस्तर मंदिर, कौन सा मंदिर? प्रस्तर मंदिर का निर्माणकर्ता का नाम था बाणवंशी शासक विक्रमादित्य। पुनर्निर्माण कौन करवाया? जाजल्य देव। तो इस मंदिर में क्या लिखा हुआ है, कहीं पर जाजल्य देव, किस मंदिर पर जाजल्य देव का नाम अंकित है? द आंसर इज पाली का प्रस्तर मंदिर, पाली का प्रस्तर मंदिर। ये पाली के प्रस्तर मंदिर के आर्किटेक्चर के बारे में दिया है, इस आर्किटेक्चर की इसने तुलना की है सोलंकी शासकों के द्वारा जो बनाया गया था भीलवाड़ा के जैन टेम्पल, ठीक, उसके साथ में इसकी तुलना की है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, चैतुरगढ़, चैतुरगढ़ का फोटो ही नहीं आया है, ठीक। चैतुरगढ़ लाफागढ़ पड़ेगा NH 130 पे कि नहीं, ये देखो चैतुरगढ़ में जो फोर्ट बनाया गया उसका कई जो द्वार है, तीन द्वार अलग अलग नाम है, एक का मेनका द्वार नाम है, एक का कुछ नाम है, एक का कुछ नाम है, इनमें से कुछ द्वार का जो हिस्सा बचा हुआ है वो इस तरीके से दिखाई देता है। और चैतुरगढ़ को छत्तीसगढ़ का कश्मीर क्यों कहा जाता है, ये इस सीनिक व्यू से आप समझ सकते हैं, 1038 मीटर की ऊंचाई पर वो जो है जगह है, कौन सा आपका चैतुरगढ़, ठीक। ये डोर, एक दरवाजा दिख रहा है आपको, ठीक, तो तीन दरवाजों का नाम पढ़ेंगे हम लोग कहां पे, चैतुरगढ़ में, और चैतुरगढ़ में ये भी एक दरवाजा दिख रहा है आपको, ठीक। और चैतुरगढ़ में ना एक वो है अपना, क्या बोलना चाहिए, मंदिर, क्या है मंदिर, महिषासुर मर्दिनी का क्या है मंदिर है, वो भी काफी प्रसिद्ध मंदिर है। ये मड़वा रानी टेम्पल आपका छूट गया था, मड़वा रानी टेम्पल जो है ये कोटा चापा रोड पे, कोरबा चापा रोड में है, इंपॉर्टेंट है, मतलब NH 149B में कोरबा से कहां आ रहे हो, चापा, बीच में एक प्रसिद्ध मंदिर मिलेगा, दैट इज आपका मड़वा रानी, कौन सा रानी, मड़वा रानी। दिस इज कोसगईगढ़, ये क्या है बोलिए, कोसगईगढ़। तो कोसगईगढ़ के बारे में आपको बताया, दो तीन कारण से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छुरी से ही शुरुआत हुई थी कोसा के बुनाई की, नाम पड़ गया इसका कोसगईगढ़, आगे चल करके बहारेंद्र शाह इसको कैपिटल बनाएगा, कोश रखेगा पैसा, इसलिए नाम रखा गया कोसगईगढ़, क्या नाम रखा गया, कोसगईगढ़। केंदई फॉल है, नेशनल हाईवे नंबर 130 को आप छोड़ेंगे नहीं, आप पहुंचेंगे तो आपको मिलेगा क्या, पहले मिनी माता हसदेव बांगो बैराज, आगे मिलेगा फॉल, दैट फॉल इज केंदई फॉल, दैट मोहरगढ़ है, मोहरगढ़, क्या है बोलिए, मोहरगढ़। प्राचीन पत्थरों में लिखे हुए कुछ राइटिंग्स मिलते हैं यहाँ पे, गुफाएं हैं और उनके ऊपर लिखे हुए कुछ बहुत प्राचीन अवशेष हैं जिसको कि पढ़ा नहीं जा सका है, मेहरगढ़ नहीं है, क्या है बोलिए, मोहरगढ़, ठीक। तो ऐतिहासिक साक्ष वाला मोहरगढ़, क्योंकि मेहरगढ़ एक साइट है, जब हम लोग भारत के इतिहास में पढ़ते हैं नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर एरिया में, जहां कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, तो एग्जामिनर मेहरगढ़ पूछे या मोहरगढ़ पूछे, छत्तीसगढ़ का मेहरगढ़ मोहरगढ़ कौन से जिले में है, द आंसर इज कोरबा। ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट के वेबसाइट पे जितना पॉइंट डाला है वो सब उठा के लाया, ये मंदिर में बोल रहा था आपको, कनकी टेम्पल, कौन सा टेम्पल, कनकी, कनकी टेम्पल और कनकी मेला प्रसिद्ध है, ठीक। कनकी मेला कौन से जिले में लगता है, द आंसर इज कोरबा, ठीक। कोरबा चापा रूट पे आपको आगे मिलेगा कुदुरमान, कैसे कोरबा, कैसे कुदुरमाल, कैसे कबीर पंथ, दो ही पंथ में कंफ्यूज हो गए, या तो कबीर पंथ या तो सतनाम पंथ, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे ही पूरा खेल है, कुदुरमाल, कोरबा, कबीर पंथ, ठीक। चलिए,
देवपहरी जलप्रपात है। देवपहरी क्या है बोलिए? जलप्रपात, इस तरीके से दिखता है, ठीक, देवपहरी जलप्रपात। यह है आपका सतरेंगा या भूका में से, ये मेरे हिसाब से पता नहीं। यह है भूका आइलैंड, ये क्या है बोलिए? भूका आइलैंड है ना, वो भी भूका ही होगा। ये है सतरेंगा, ठीक, बहुत सुंदर है, दिख रहा है ना तुम लोगों को? भी कुछ नहीं दिख रहा होगा मेरे को मालूम है, ठीक, लेकिन मैं तो दिखा के छोड़ूंगा। अब यहां से कहानी शुरू होती है।